is the most powerful and most dangerous of Chakra's powers. Feel the power! हेलो दोस्तों, मैं हूं रूपंकर और आप देख रहे हैं इट्स रूपंकर फैक्टो। दोस्तों, आप लोग तो स्टैनली को जानते ही होंगे, जिसको मार्वल इंडस्ट्री का बाप माना जाता है, क्योंकि उनके हाथ से ही बड़े बड़े सुपर हीरोज का जन्म हुआ है, जैसा कि स्पाइडरमैन, हल्क, थॉर, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, एंटमैन और भी बहुत सारी। डीसी में भी कुछ सुपर हीरोज बना के अपना नाम जमा लिया है स्टैनली ने। लेकिन अब सवाल आता है, मार्वल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा फैन बेस है इंडिया, क्या इंडिया के बारे में सोचकर स्टैनली ने कोई सुपर हीरोज का जन्म दिया? तो मेरा सीधा साधा आंसर है, क्यों नहीं देगा भाई, थोड़ी ना इंडिया और स्टैनली के बीच कोई दुश्मनी है। उल्टा स्टैनली बहुत ही पसंद करती है इंडियन कल्चर को, इंडियन लोगों का भगवान के ऊपर भक्ति और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को देखते हुए 2011 में स्टैनली ने सिद्धांत लिया, क्यों ना एक प्योर इंडियन सुपर हीरो बनाया जाए। आई एम थ्रिल्ड टू बी वर्किंग विद माय फ्रेंड्स एट ग्राफिक इंडिया फॉर द एक्सक्लूसिव डिजिटल कॉमिक लॉन्च of my Indian superhero Chakra. Chakra एक टीनेज है और वो टेक्नोलॉजी का जीनियस है। उसका असली नाम राजू राई है। वो इन्वेंशन किया था एक नीला जंपसूट, जिसको पहनते ही इंसान के शरीर में रहने वाला सातों चक्रास एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप हिंदू के पौराणिक कथाओं को गौर से नोटिस किए हो तो आप जानते ही हो, अगर कोई इंसान के अंदर सातों चक्रा एक्टिवेट हो जाती है तो उस इंसान को अद्भुत शक्तियाँ मिलती है। इसी चक्रास को एक्टिवेट करके चक्रा को पावर मिली पूरी मुंबई शहर को बचाने के लिए। इस कैरेक्टर को 2013 में कॉमिक बुक से सीधा एक मूवी के रूप में पेश किया गया। एक उसके बाद 2016 में स्टैनली और देवरंजन ने मिलकर पैंथम फिल्म प्रोडक्शन के साथ पार्टनरशिप किया, ताकि चक्रा को बिग स्क्रीन में लाया जाए। नॉलेज के लिए बता देता हूँ गाइस, बॉलीवुड के बड़े बड़े हिट्स मूवी के पीछे पैंथम का हाथ है, जैसा कि लुटेरा, मसान और क्वीन। देवरंजन ने यह भी बताया कि स्टैनली ने सिद्धांत लिया, आने वाले टाइम में मार्वल का बाकी सारी सुपर हीरोज के साथ चक्रा को भी योगदान किया जाएगा बिग स्क्रीन में। सो गाइस, इस सारे बातों को सुनते हुए आप लोगों का मन में एक कॉमन सा क्वेश्चन आ ही रहा होगा, भाई हम लोग तो बहुत लंबे समय से मार्वल मूवीज को देख के आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक मार्वल के सारे सुपर हीरोज के साथ चक्रा को क्यों नहीं देखे? तो भाई लोग, मैं सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है। हाँ, मैं भी एक इंडियन होने के नाते सब सुपर हीरोज के साथ चक्रा को देखना पसंद करता। खैर जो भी हो, 2018 की शुरुआती दौर में पैंथम फिल्म प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो जाती है और चक्रा के ऊपर बिग स्क्रीन में मूवी बनाने की सोच हवा में घुल मिल जाती है। इस चीज को लेकर आगे कोई भी काम नहीं चली, क्योंकि 2018 में स्टैनली का मौत हो गया था और देवरंजन की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फिलहाल 2018 में इस कैरेक्टर के ऊपर एक एंड्रॉइड गेम लॉन्च हुआ और थोड़ी बहुत कार्टून नेटवर्क पर इस कैरेक्टर की कार्टून चलती थी, लेकिन आधा लोगों को पता नहीं है, इस कैरेक्टर को बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े लोगों के लिए बनाया गया था। कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान को मार्वल में अपीयरेंस मिल गया, लेकिन इंडियन को अभी तक क्यों नहीं मिला? तो भाई एक बात सुन लो, इंडिया अपना मौका गंवा चुका है 2018 में ही। अगर फ्यूचर में कोई मौका मिले तो तब ट्राई करना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।